सब नरूटो को शारिंगान से ऑलमोस्ट कंपैरेटिवली समझते हैं। लाइक नरूटो मंजे शारिंगान, सबको एक ही चीज़ याद आती है। अब शारिंगान आया कहाँ से, इतना जो यूनिक पावर है वो आया कहाँ से? तो शारिंगान आया है बहुत पुराने टाइम से। नरूटो के वर्ल्ड में एक शारिंगान का पूरा एंसिस्टरी ट्री है। बहुत अच्छे से हमको पता है कि शारिंगान किस तरह से, किन स्टेप्स को फॉलो कर करके हम जिस वर्जन पे जानते हैं उस पे आया है। सबसे पहले शुरू होती है पूरी कहानी एक शिंजू ट्री से, जो है टेन टेल्स। तो शिंजू ट्री एक डिवाइन ट्री है। ये डिवाइन ट्री जो है वो कागुया ओत्सुत्सुकी और इशिकी ओत्सुत्सुकी, अगर तुम बोरुटो फॉलो करते हो तो इशिकी भी है उसमें, वो दोनों मिलके डिवाइन ट्री को लाए थे। क्यों? ताकि वो निंजा वर्ल्ड का नेचुरल एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके डिवाइन ट्री के थ्रू और एक चाक्रा फ्रूट क्रिएट कर सके। अब क्या है शारिंगान का इस चीज से रिलेशन? जो डिवाइन ट्री है वो एक्चुअली उसका एक और फॉर्म है, जो कि है टेन टेल्स। और टेन टेल्स को एक बड़ी सी आंख है जो कि शारिंगान से काफ़ी मिलती है, जिस आंख का नाम है रिने शारिंगान। ये रिनेगान और शारिंगान का मिक्सचर है। मिक्सचर एक्चुअली सही बोलना नहीं होगा वर्ड, क्योंकि यही प्रोजिनेटर है, इसी से सब टूट टूट के आया है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है द रिने शारिंगान, बड़ी सी आँख टेन टेल्स की। कागुया के सर पे डायरेक्टली फोरहेड पे वो आँख होती है। अब कागुया के जब बच्चे हुए दो, एक है हागोमोरो और एक है हामुरा। हागोमोरो ने ये चीज़ को इनहेरिट किया था, टेन टेल्स की बॉडी को जो कि है सेज बॉडी, और टेन टेल्स की आँख को जो कि है सेज आई। सेज आई है अपना रिने शारिंगान। ठीक है, शारिंगान भी बोल सकते हैं कि वो सब सेज आईज हैं। ठीक है, तो अब रिने शारिंगान किया हागोमोरो ने इनहेरिट कागुया से, पर क्योंकि उसका ब्लड लाइन डाइल्यूट हो गया, पूरा उसको मिला नहीं, उसका जो आँख है वो सिर्फ रिनेगान तक पहुँचा। ठीक है, सिर्फ रिनेगान। उसकी आँखें नॉर्मल आँखें थी, हमको एनिमी के फिलर में दिखाया है उसको ब्याकुगान था और उसका अचानक से रिनेगान हो गया, गलत है वो। एक्चुअल में हमको जितना पता है कैनन मटीरियल, इसके अंदर उसकी आँखें नॉर्मल आँखें थी, जैसे इंसानों की आँखें होती है वैसी नॉर्मल काली आँखें थी, और उसका डायरेक्टली एक स्टेप में रिनेगान हुआ था, ना कि रिने शारिंगान। देखो, एक डाउनग्रेड हो गया। ठीक है, रिने शारिंगान में टोमो होते हैं, एक लाल आँख होती है और सर्कल 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 होते हैं, रिनेगान का पैटर्न होता है, और उसके अंदर टोमोज होते हैं पूरे, लाइक एकदम भर के पूरे टोमोज होते हैं। उसका डाउनग्रेडेड वर्जन है रिनेगान। ये टोमोज जो कॉमा जैसी चीज़ें दिखती हैं वो गायब हो जाती है, और सिर्फ एक आँख है जो ऐसे सेमी लाइक सर्क्यूलर पैटर्न्स कॉन्स्टेंटली रिपल्स जैसे होती है आँख में। और हागोमोरो का वो पर्पल था, वायलेट था वो चीज़, ओके, लाइट पर्पल। अब ये है अपना रिनेगान। ये चीज़ मादरा ने बाद में अनलॉक की थी। अब कैसे की थी बताता हूँ। अब हागोमोरो के भी बच्चे हुए, इंद्रा और आशुरा। हागोमोरो का भी पावर डिवाइड हो गया। हागोमोरो का सेज बॉडी जो था, जो उसने इनहेरिट किया था, वो गया आशुरा के पास। जो सेज आई है जो उसने इनहेरिट किया, वो गया इंद्रा के पास। लेकिन क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है, टेन टेल्स में तो एक साथ थी ना ये चीज़ें, अब क्योंकि ये डिवाइड हो गई, जो रिनेगान है वो और डिग्रेड हो गया और पहुँच गया वो शारिंगान पे। इस मोमेंट पे हम एक शारिंगान के लेवल पे पहुँचे हैं। इंद्रा के पास पहला शारिंगान था, ना कि हागोमोरो के पास। अगर हम एनिमी फिलर देखेंगे तो हमको दूसरी चीज़ इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, पर इंद्रा फर्स्ट है जिसके पास शारिंगान था। अब क्योंकि इंद्रा के पास सेज बॉडी नहीं है, वो रिनेगान नहीं ले सकता। अब जब वो सबसे पहले शुरू करता है अपना शारिंगान, उसका शारिंगान डायरेक्ट थ्री टोमो पे होता है, तो हम देख सकते हैं कि उसका शारिंगान फिर भी काफ़ी हाई लेवल पे, एकदम प्योर शारिंगान है अभी भी वो। जब उसको इमोशनल फ्लक्चुएशंस होते हैं, वो फाइनली मांगेक्यू पे पहुंचता है, और उसका डायरेक्टली ऐसा मांगेक्यू होता है जो कभी ब्लाइंड नहीं होता है, जो कि हमको आजकल के उचिहास को इटर्नल मांगेक्यू बना के करना पड़ता है। अब हो गया, ये इंद्रा का ये शारिंगान था। अब वो नीचे आया और उसके एंसेस्टरी आए। अब ये जो लेवल पे है, इस चीज़ पे हम जिस शारिंगान को जानते हैं वो शारिंगान है, जो
धीरे 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 अपग्रेड होता है, जो इंसानों में इस लेवल पे इसके बाद और डिग्रेड नहीं हुआ। हम जिस शारिंगान को जानते हैं उसको स्विच ऑन करने के लिए, उसको टर्न ऑन करने के लिए हमको इमोशनल फ्लक्चुएशंस लगते हैं। ये इमोशनल फ्लक्चुएशन से अब तुम डायरेक्टली थ्री टोमों पे नहीं पहुंच सकते जैसे कि इंदिरा पहुंच गया। तुम्हें शुरू से शुरू करना पड़ता है, 1 टोमो 2 टोमो 3 टोमो। कभी कभी लोग टोमो स्किप भी करते हैं, पर आज तक हमको मैक्सिमम ओबीटो उचिहा में दिखा है वो डायरेक्ट 2 टोमो पे पहुंचा था दोनों आंखों पे। तो दैट वाज द मैक्सिमम, उसके ज़्यादा हमको किसी दिन पहली बार में स्किप करते हुए नहीं दिखे हैं। तो ये वाला तो कंप्लीट हो गया। अब अभी के जो लोग मांगेक्यू शारिंगान चालू करते हैं, इंदिरा की तरह उनका डायरेक्टली इटरनल आई नहीं होता है क्योंकि ये डिग्रेडेड ब्लड लाइन है। डिग्रेडेड बोलना थोड़ा गलत होगा, हम डाइल्यूटेड ब्लड लाइन बोलते हैं। ये डाइल्यूटेड ब्लड लाइन है, इंसानों में मिक्स्ड है, ये एलियंस की बात नहीं हो रही है, इंसानों में इतना ही फिट होता है। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ तुम जब मांगेक्यू चालू करते हो तब तुम्हें ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम होता है। तुम्हारी बॉडी उतना हाई लेवल ऑफ यिन चाक्रा सपोर्ट नहीं कर पाती है जितना इंदिरा का बॉडी डायरेक्टली कर पाता था। अगर तुम चाहते हो इस चीज़ को सही से यूज़ करना बिना ब्लाइंड हुए, तुम्हें यांग चाक्रा उसका सपोर्ट में लेना पड़ेगा। अब इसके 2-3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है जो अपना सास्के यूज़ किया, जो अपना मादरा यूज़ किया, वो है अपने भाई का एक बॉडी पार्ट लेना जो कि है आँख। वो पर्टिकुलर है, कोई भी रैंडम बॉडी पार्ट नहीं चलेगा, आँख लगेगी, वो भी मांगेक्यू शारिंगान लगेगा। ये जो यांग है तुम्हारे भाई का, वो अगर तुमने अपनी आँख में डाला, अपनी आँखें निकाल के उसके भाई की आँखें यूज़ की, तब उसका यांग प्लस तुम्हारा यिन तुम्हारे यांग और यिन को दोनों को बैलेंस कर देगा और तुम्हें इटर्नल आई मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज़ इटर्नल आई का एक प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस है तुम सेंजू हाशिरामा का, या तो वाइट जेत्सु के जो सेल्स हैं, जो कि सेंजू सेल्स हैं। सेंजू अभी हमको कहाँ से पता चला था? आशूरा। आशूरा ने जो सेज बॉडी इनहेरिट किया था वो सेंजू से पास डाउन हुआ है। ये सेंजू सेल्स अगर तुम्हारे बॉडी में हुए तब तुम्हारे पास करस्पॉन्डिंग सेज बॉडी आ गई, राइट? तो भी तुम्हारी आंखें बेटर काम करेगी। ओबीटो ये चीज़ यूज़ करता है और ओबीटो कभी ब्लाइंड नहीं होता है। ओबीटो अपने बॉडी में हाफ ऑफ दी बॉडी ओबीटो का वाइट जेत्सु का बॉडी है, जो कि सेंजू के ही सेल्स समझ लो तुम। हाशिरामा के सेल्स से काइंड ऑफ आया था, हमको पहले पता चला था, लेकिन फिर हमको पता चला वो सीधा टेंटेल्स की बॉडी से आया है जिसने इंसानों को कन्वर्ट किया है। जो भी बात है वो सेज बॉडी का इक्विवेलेंट है, इतना तो पक्का है। तो ये दोनों चीज़ें मिलके अभी का शारिंगान है। अभी एक और तुम हो सकता है तुम समझो डाउनग्रेड है या अपग्रेड है, नॉट श्योर, पर जो सास्के की जो बेटी है, या फिर तुम इजुमी उचिहा को भी कंसीडर कर सकते हो जो कि है हाफ ब्लड्स। सास्के की बेटी साकुरा के साथ जो है उसको हाफ उचिहा खून है। कुछ हमको अभी तक डिफरेंस तो दिखा है नहीं, पर इजुमी को भी हाफ उचिहा खून ही था। दोनों को शारिंगान ऑन होता था, बोथ कैन यूज शारिंगान प्रिटी ईजीली। इजुमी का एक प्रॉब्लम था, उसकी शारिंगान जो थी उतना काफ़ी डायरेक्टली 3 टोमो तक पहुंच गया था वो शारिंगान, लेकिन उसके पास चाक्रा नहीं था उतना यूज़ करने का। सो पॉसिबल है कि हाफ ब्रीड्स में शारिंगान को यूज़ करने का चाक्रा अगर बहुत ज़्यादा बहुत हाई लेवल ऑफ है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। पर अभी तो बोरूटो में दिख रहा है कि सास्के की बेटी तो डायरेक्टली यूज़ कर रही है तो पता नहीं, लेकिन बोरूटो है ही इतना मेसी कि उसका कितना डिटेल लूँ मैं, कितना छोड़ूँ मैं, मुझे ही नहीं पता। तो अगर हम उसको इग्नोर करें तो हाफ ब्रीड्स भी हम एक और शारिंगान कंसिडर कर सकते हैं, पर अभी तक वो इक्वल है नॉर्मल रेगुलर ब्रीड से। ठीक है, तो ये हुआ हमारे शारिंगान की फुल हिस्ट्री। अभी तक और डिग्रेड तो हुआ है नहीं शारिंगान, हो सकता है आगे जाके और अपग्रेड हो, क्योंकि शोनेन पावर्स बैटल चीज़ें अपग्रेड होती ही रहती है। ठीक है, अभी का शारिंगान का ये तो हो गया। रिनेगान हम तुम वापस से ऐसे चेंज कर करके ऊपर नीचे, अगर तुम इंदिरा और आशूरा का पावर मिक्स करोगे तो रिनेगान बनता है शारिंगान के साथ, पर हम वो चीज़ बाद में डिस्कस करेंगे। शारिंगान के वो चीज़ से ऊपर है, वो दूसरा है, वो प्रोसेस में हायरार्की में ऊपर चीज़ है। डन, अभी का इतना काफ़ी है शारिंगान के बारे में। नेक्स्ट टाइम हो सकता है मैं ब्याकुगान के बारे में बात करूँ, क्योंकि ब्याकुगान जो चीज़ है वो भी इतनी सिंपल नहीं है। लगता है कि हाँ ब्याकुगान आ गया, ऐसा नहीं है। ब्याकुगान भी काफ़ी टूट टूट के दूसरे ब्रदर से होमुरा से आया है, वो भी ओत्सुसुकी चेंज हुआ है, अपने इंसान ह्यूगा चेंज हुए हैं दोनों मिलके, उसका भी दूसरा टेंसेंगान अलग पावर होता है। ठीक है, वो भी काफ़ी कूल चीज़ है।
तो हाँ, इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। काफ़ी मज़ा वाला टॉपिक है ये, काफ़ी लोगों को पता नहीं है इतने साल होने के बाद भी कि ये काम कैसे करता है, कितने डिटेल्स में है, या फिर किसी किसी को वापस अपना दिमाग रिफ्रेश करना होता है, तो उनके लिए है ये वीडियो। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट टाइम कुछ और बताएंगे। सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, अच्छा लगता है मुझे भी, तुम्हें भी लगेगा। थैंक यू।